बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया। इस दौरान उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपने लोकसभा में भगवत गीता पढ़ाने की मांग की है, क्या वजह? मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया, राज्यों के सभी देश के सभी राज्यों के स्कूल में बच्चों को भागवत गीता पढ़ानी चाहिए, ये मेरी मांग थी। सरकार का जो उत्तर आया कि कुछ जगह पर 5वीं से 7वीं से कुछ बातें सिखाना प्रारंभ किया है, तो मेरा मुद्दा ये था कि पूरा अनिवार्य करना चाहिए भागवत गीता। हमने अब ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठ कर कितना घंटे का पीरियड होगा, कब होगा, महीने में एक बार होगा, वो सारे लोगों ने मिलकर तय करना चाहिए। मुद्दा ये है कि भागवत गीता बच्चों को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि भागवत गीता हमारे देश की आत्मा है। भागवत गीता हमको संस्कार, संस्कृति, सारे देश को ही नहीं तो पूरे दुनिया को साथ में लेकर चलने का सीख हमको भागवत गीता से मिलता है, इसलिए बच्चों को भागवत गीता हमने पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि इसकी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ये लागू हो पाए? महाराष्ट्र में निश्चित लागू होगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए खपाया, राष्ट्रीयत्व का वो बात करते थे और पूरा जीवन उन्होंने उसके लिए लगाया, और भागवत गीता के वो कट्टर समर्थक थे। और लकीली अभी उद्धव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी भागवत गीता को बहुत सम्मान करते हैं, मानते हैं, कट्टर समर्थक वो भी है। तो मेरा ये विश्वास है कि कम से कम महाराष्ट्र में अगर ये अमल में आता है तो महाराष्ट्र सारे राष्ट्र को दिशा देगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।